नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता एचआरएचआर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग से जो टीचर की वैकेंसी निकली हुई है उसका एक अपडेट नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसको हम लोग डिटेल में समझेंगे कि क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा और कितनी वैकेंसीज हैं या फिर कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, अदर स्टेट के भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। इसके अलावा ही कि एग्ज़ाम में इन्होंने क्या क्या चीज़ें रखी हैं जिससे तैयारी करके जो बिहार स्टेट के बच्चे हैं वो अपनी तैयारी को अच्छे करके इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अच्छी जॉब ले सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो है यहाँ पे हमारा जो विज्ञापन संख्या, ये कितनी है, 26/2023, ये विज्ञापन संख्या है हमारी, ठीक है। और इसके अंतर्गत 170,461 पदों पे नियुक्ति निकाली है बिहार सरकार ने, जिसकी जो आवेदन प्रारंभ होगा वो कब से होगा, 15 जून से प्रारंभ होगा और 12 जुलाई तक ये फॉर्म फिल किए जाएंगे। इसी के साथ फॉर्म किस कैसे ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा, जो यहाँ पे हमारी वेबसाइट दी हुई है www.bpsc.bih.nic.in, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे जाकर हम लोग अपने फॉर्म की जो फिल करने की प्रक्रिया है वो उसको पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने डिटेल में नोटिफिकेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय जो मतलब 1 से 5 तक के शिक्षकों की भर्ती होगी, उसमें कितने सामान पद हैं, इसके अलावा उर्दू के, बांग्ला के, इनके हिसाब से दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे वेतन भी बताया गया है कि 25,000 प्रति माह एवं अन्य अनुमान भत्ते जो भी है वो दिए जाएंगे। इसके अलावा है कि परीक्षा मान अवधि योगदान की तिथि से 2 वर्षों की अवधि मानी जाएगी, ठीक है। इसमें जो बच्चे उनको लगेगा कि फुलफिल नहीं करते हैं कंडीशन, उनको 1 वर्ष के लिए और उनको अवधि एक विस्तार के लिए दी जाएगी, अर्थात उनकी जो भी पात्रता है उसको निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे माध्यमिक के लिए देख सकते हैं, जो 9 से 10 के तक के विद्यालय के लिए अध्यापक की नियुक्ति होगी, तो वहाँ पे ये सब्जेक्ट दिए गए, हिंदी है, अंग्रेजी है, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, इसके अलावा संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला। तो यहाँ पे दिया गया है कि सामान वर्ग की कितनी सीटें हैं या फिर जो भी है, EWS है, SC ST है, OBC है, उनके लिए क्या क्या वैकेंसी दी गई हैं, ठीक है। तो इसकी इन्होंने वेतनमान कितना रखा हुआ है, 31,000 प्रति माह, ठीक। इसी प्रकार से जो उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती होगी, मतलब 11 से 12 तक के लिए, ठीक है, यहाँ पे ये सारे उनके सब्जेक्ट दिए गए हैं, कौन कौन सब्जेक्ट से बच्चे फुलफिल कर सकते हैं फॉर्म और कितनी कितनी वैकेंसी है, किस किस श्रेणी में कितनी कितनी वैकेंसी दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ये सब देख सकते हैं। तो इनका जो वेतन मान रखा है 32,000 रखा गया है। इसी के साथ और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ये वेबसाइट बता दी कि यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाएगा। इसके अलावा कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता क्या है, सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, इसके अलावा बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, केवल जो बिहार के बच्चे हैं वो लोग ही फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ इन्होंने बोला है कि अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो, मतलब जो CTET है या फिर बिहार का जो TET होता है वो बच्चे को पास होना आवश्यक है। इसी प्रकार से 1 से 5 तक के नियुक्ति के लिए 50% के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, अथवा 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मतलब जो हमारी NCTE होती है उसके द्वारा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे योग्यताएं दी गई, आपको ये PDF भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा।
ये सारी योग्यताएं दी गई हैं। सबसे मेन बात है कि कहाँ से फॉर्म भरना है, जो वेबसाइट दी है उसी से आप लोगों को फॉर्म भरना है, उसके अलावा ऑफलाइन या अन्य किसी तरीके से फॉर्म नहीं भरा जा सकता है, उसको अमान्य माना जाएगा, ठीक है। और अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, प्लस क्योंकि वहाँ पे सीधे सीधे लिखा है कि बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए, ठीक है। तो यही मेन चीज़ें हैं जो आप लोगों को, इसके अलावा 15 जून से हमारा फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद चयन की प्रक्रिया लिखित परीक्षा के आधार पर किस हिसाब से होगी, तो सबसे पहले तो है कि भाषा पेपर होगा, जो कितने का होगा, भाग एक हमारा होगा 25 नंबर का, और जो भाग दो है वो 75 नंबर का होगा। 2 घंटे का पेपर होगा, कुल अंक कितने होंगे, 100। ये प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी के लिए होगा, मतलब ये वाला जो पेपर है वो सबके लिए कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा सामान्य ज्ञान है जो हमारा, वो प्राथमिक, केवल प्राथमिक के जो टीचर होंगे उनके लिए होगा, 1 से 5 तक के लिए। यहाँ पे उसका सिलेबस दिया गया है कि क्या क्या उसमें पूछा जाएगा, जैसे प्राथमिक गणित है, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल हो गया, पर्यावरण, ये सब विषय शामिल हैं। इसके अलावा जो हमारे माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, ये उनके विषय से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, जो 2 घंटे का पेपर होगा। प्रश्नों की संख्या 120 होगी, ठीक है। कुल अंक कितने होंगे, 120 अंक होंगे। इसके अलावा ये सब यहाँ पे दिया है कि जो एक पेपर मेन है वो तो दोनों के लिए होगा, बाकी जो उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक हैं 9 से 10 तक या 11 से 12 तक, तो उनका एक सब्जेक्ट के ऊपर भी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। अब MCQs टाइप के क्वेश्चन होंगे, और गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, ठीक है। इसके अलावा साक्षात्कार का, इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, मतलब ये केवल एग्ज़ाम ही कंडक्ट करवाया जाएगा, इसमें साक्षात्कार का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि परसेंटेज दिया गया है कि इतने इतने परसेंट कम से कम मार्क्स होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए। इसके अलावा इन्होंने काफ़ी डिटेल में ये सब चीज़ें दी हुई हैं, तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार के और अपडेट के लिए बने रहिए HS अध्ययन से। धन्यवाद।